देश के स्तर पर जब लोग पूछते हैं जो काम मैं पहले करता था कि भाजपा जीतती क्यों है, तो मैं ये आपको बताता हूं कि भाजपा के जीतने के तीन नहीं, चार जो उनकी प्रमुख ताकत है वो है विचारधारा, जिसको हिंदुत्व आप कहते हैं, दूसरा नेशनलिज्म राष्ट्रवाद, तीसरा लाभार्थी, और चौथा उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल और फिनेंशियल ताकत है। मैंने ये बताया कि अगर आपको भाजपा को हराना है तो किसी को भी, किसी दल को या किसी कोलिशन को, गठबंधन को, किसी नेता को, तो कम से कम इन चार जो उनकी मजबूत किले के द्वार हैं, इसमें तीन को आपको तोड़ना पड़ेगा। मेरे भाई आप बात सुने से आप सवाल किए नहीं और जंप कर रहे हैं। हमको बिहार को, बिहार की जनता को जिताना है, हमको भाजपा को नहीं हराना, हमको बिहार की जनता को हराना है। क्यों? यहाँ भाजपा जीती भी है, हारी भी है, बिहार की जनता की स्थिति तो नहीं बदली। यहाँ पर लालू नीतीश जीते भी हैं, हारे भी हैं, कांग्रेस जीती भी है, हारी भी है। हम लोगों ने यूपीए का भी सरकार देखा और 10 साल का एनडीए का भी सरकार देखा। बिहार से पलायन तो नहीं रुका, बिहार से गरीबी तो नहीं सुधरी। आपने 40 वर्ष कांग्रेस का भी राज देखा, भाजपा नीतीश का भी राज देखा, नीतीश और लालू का भी राज देख रहे हैं, आपकी स्थिति तो नहीं सुधरी। तो जब तक आप उस समस्या के मूल को नहीं समझिएगा, जड़ को नहीं सुधारिएगा, जड़ में लालू नीतीश भाजपा नहीं है, जड़ में यहाँ के लोगों की वो प्रवृत्ति है कि जहाँ आप 5 वर्ष अपनी समस्याओं से जूझते हैं, रोते हैं, गाते हैं, गाना गाते हैं, परेशान रहते हैं, लेकिन जिस दिन वोट देने जाते हैं तो उन सारी समस्याओं को भूलकर जात पर, धर्म पर, लालू के डर से भाजपा को, भाजपा के डर से लालू को वोट करते हैं, इसीलिए आपकी समस्या सुलझती नहीं है।